में जेल से धमकी देने का मामला सामने आया। जेल में बंद हिस्ट्री शीटर अब्दुल रजाक के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया। डॉक्टर आशुतोष राय ने हिस्ट्री शीटर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। हालांकि उन्होंने साल 2020 में शिकायत की थी, जिसकी 3 साल जांच के बाद FIR दर्ज की गई। डॉक्टर आशुतोष राय ने पुलिस की शिकायत की थी, पुलिस को मामला बताया था, जिसके बाद उनकी पत्नी और उनके ससुर का उनके अस्पताल चित्रकूट आई केयर को लेकर विवाद चल रहा था। डॉक्टर राय की पत्नी और ससुर चाहते हैं कि यह हॉस्पिटल उनके नाम हो जाए। इसी मामले में हिस्ट्री शीटर अब्दुल रजाक जेल से अस्पताल खाली करने का दबाव बना रहा है। आशुतोष राय द्वारा थाना लाड़गंज में एक लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। उनका ये कहना है कि उनके जो ससुर हैं, उनके पत्नी से उनका मतभेद चल रहा है, तो पत्नी ससुर के पास रह रही है, ससुर और पिता के बीच में प्लॉट के लेन देन को लेकर विवाद था, उसमें उन्होंने उनके द्वारा परिवार लगाया गया है अपने ससुर के खिलाफ, तो ससुर के विरुद्ध गवाही न दे पाए इस बात के लिए अब्दुल रजाक को लेकर, उनके साथियों को लेकर 3 साल पहले उनके पास आए थे, उनको धमका के गए थे और अभी भी अब्दुल रजाक जेल में हैं, लेकिन जेल में भी अपने इनके डॉक्टर साहब के ससुर और उनकी पत्नी के माध्यम से उनको लगातार धमकी दिए जा रहे हैं और ताकि वो गवाही ना दे पाए। और चलिए इस पर अधिक बातचीत करेंगे। हमारे साथ संवाददाता अमित सोनी लाइव जुड़ गए हैं। अमित, देखिए ये अनोखा मामला है, डॉक्टर को जेल से धमकी दी गई है, प्राथमिक कार्रवाई क्या कुछ की गई है? बेशक प्रगति, आपको बताना चाहूँगा कि ये बात भी गौर करने लायक है कि 3 साल पहले जब डॉक्टर ने एक शिकायत दी थी, इसके बाद पुलिस ने आज जो है इस मामले को गंभीरता से लिया और उसके बाद जो है जांच करने के बाद 3 लोगों के खिलाफ, यानी माफ़ कीजिएगा, 4 लोगों के खिलाफ जो है मामला पंजीवृत किया गया। ये पूरा मामला चित्रकूट आई केयर हॉस्पिटल का है, जिसको लेकर के पति पत्नी और ससुर कुल तीनों के बीच विवाद चल रहा था, जो कि ससुर हिस्ट्री शीटर अब्दुल रजाक का करीबी था, नज़दीकी दोस्त कहलाता था। उसने ये बात अपने दोस्त अब्दुल रजाक को बताई, जो पहले से ही पिछले 3-4 सालों से जेल में ही बंद है। अन्य उस पर मामले हैं जिसको लेकर के वो जेल में बंद चल रहा है, तो वहीं जेल के अंदर से ही ये धमकी पहुंची है। एक साकिब शूटर है जो अब्दुल रजाक का काफ़ी नज़दीकी कहलाता है, उसके माध्यम से ये धमकी जो है डॉक्टर राय के पास पहुँची। उन्होंने इस बात को लेकर के 3 साल पहले शिकायत की थी, लेकिन पुलिस ने 3 साल बाद ये है 4 लोगों के खिलाफ जो है मामला कायम कर लिया। बहरहाल अब्दुल रजाक पहले से ही जेल में बंद है और उसकी डॉक्टर राय की पत्नी और ससुर जो बाहर है, संभवतः उनको भी जल्दी गिरफ्तार अब पुलिस कर लेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।